वेसल लॉग इंजेक्शन, वेसल लॉग इंजेक्शन के अंदर इंसुलिन ग्लार्जिन इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। मार्केट में आपको इस तरीके की पैकिंग में यह इंजेक्शन आपको मिलेगा। इस इंजेक्शन का काम एपिड्रा इंजेक्शन की तरह है, यानी अगर टाइप 1 डायबिटीज़ वाला पेशेंट हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ वाला पेशेंट हो, अगर उनके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ है यानी 200 से ऊपर यानी 250 तक, अगर उनके जो जैसे उनने चेक किया है कि डायबिटीज़ का जो लेवल है वो इतना बढ़ा हुआ है यानी शर्करा का स्तर इतना बढ़ा हुआ है, तो आप 5 यूनिट इस तरीके के पेशेंट को दे सकते हैं, चाहे टाइप 1 वाला हो चाहे टाइप टू डायबिटीज़ वाला हो। अब रही बात, अगर 300 या 400 के बीच में जो शर्करा का स्तर जैसे आपने चेक करा है डायबिटीज़ वाली मशीन से, तो जो स्तर है 300 या 400 तक है तो समझ लीजिए उनके तो बॉडी में सूजन होगी, होठों पे सूजन होगी, आँखों में और नसों में दर्द और हाथ पैर पूरे सूजे पड़े होंगे उनके। तो आप केवल इस इंजेक्शन के जरिए उनको रिलीफ नहीं पहुंचा सकते। सबसे बढ़िया बात यह है आप उनको एडमिट कराइए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो विशेषज्ञ है। खासकर मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं वो उनको बीमारी जो है और वे डॉक्टर दूसरे के पास जा रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको माइग्रेन या डिप्रेशन दिमाग से जुड़ी समस्या है तो आपको न्यूरोसर्जन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको लेडीज से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। सेक्स से जुड़ी समस्या है तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने कई ऐसे लोगवाग देखे हैं जो उनको बीमारी है और वो जाते किसी दूसरे डॉक्टर के पास हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी रिलीफ नहीं पहुँचता है और वे बीमार बने रहते हैं, उल्टी सीधी दवाइयाँ खा कर और अपने जो बॉडी है यानी खून का इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उनकी उम्र धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात कोई मजाक वाली नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ वाला जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, चाहे फीस उसकी ज़्यादा हो। तो अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन की जो मार्केट रेट है एपिड्रा इंजेक्शन से थोड़ी ज़्यादा है। एपिड्रा इंजेक्शन भी अच्छा काम करता है, पर इस जो वेसल लॉग इंजेक्शन है इसकी जो रेट है 648 रुपीज़ दी हुई है, 648 रुपये का यह इंजेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं इंसुलिन जो है इसका, इंसुलिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। अब इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करें, चाहे एपिड्रा इंजेक्शन हो चाहे वेसल लॉग इंजेक्शन हो, यानी अगर इस इंजेक्शन को आप ज़्यादा जैसे डोज लेंगे या आप रेगुलर इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल तभी करें जब आपका इंसुलिन का जो सॉरी इंसुलिन नहीं शर्करा का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ हो, 200 के ऊपर हो, तब 5 यूनिट आप दें। रेगुलर आप इसको डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लें तभी आप इस इंजेक्शन को लगाएं। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होंगे गुर्दे से जुड़ी समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या और थायराइड जैसी समस्या आपको हो सकती हैं ज़्यादा डोज लेने पर। इसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट होंगे जैसे सूजन, वजन बढ़ना और चमड़ी का लाल होना, इस तरीके की समस्या हो सकती हैं। और जैसे डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको लक्षण जैसे किस तरीके से, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये इसको डायबिटीज़ उनको हो सकती है। तो इस तरीके के जो डायबिटीज़ की चपेट में जो लोग आते हैं, जैसे उनको भूख में कमी, थकान और घावों का ना भरना, ज़्यादातर भूख में कमी, अगर वो जो नए जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के करीब आ रहे हैं, इस बीमारी करीब आ रहे हैं, तो उनकी भूख में धीरे धीरे कमी हो जाएगी, उनको थकान ज़्यादा महसूस होगी और घावों को जैसे जो चोट है घाव है वे जल्दी ठीक उनके होंगे नहीं। तो आप एक बार अपना डायबिटीज़ का चेकअप करवा लें कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अब बात करते हैं ये डायबिटीज़ गरीबों को यानी ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनको क्यों नहीं होती है, सिटी के लोगों को क्यों ज़्यादा ये समस्या होती है।
मैं बताऊं इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो पसीना नहीं बहाते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी जो शरीर है उससे काम लेना बंद कर दिया है। जब तक बॉडी में से पसीना नहीं निकलेगा या फिर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक ही जगह खा लिया उसी जगह नहीं है। तो डायबिटीज होने का कारण यही है कि लोग बाग जैसे अपना जो जॉब कर रहे हैं एसी में पड़े रहते हैं, पसीना निकालना नहीं चाहते बॉडी में से। तो जब तक जरूरी है कि हम अपशिष्ट पदार्थ वो ही निकले, पसीने जो पसीने के जरिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी बॉडी फिट रहती है, उन्हें कोई भी ज़्यादातर इस तरीके की डायबिटीज, हाइपरटेंशन और माइग्रेन, सिजोफ्रेनिया, डिस्थीमिया और भी कई बीमारियां हैं जो ज़्यादातर लोगों को हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि आदमी के अंदर उनकी जो इच्छा है उन्होंने इतनी बढ़ा ली है इच्छाएं, कि उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। चाहे वे खुद खत्म हो जाएं, इच्छाएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और जल्दी उनका टिकट ऊपर कट भी जाता है। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो जिंदगी भर मरने के बाद ही पीछा छोड़ती है। ऐसे ही माइग्रेन है। माइग्रेन में लोगबाग दावा इस पर यूट्यूब पे मैंने देखा है कि हम जड़ से खत्म करें, तो मैं ये बिल्कुल गलत है। माइग्रेन जड़ से कभी, माइग्रेन की जो बीमारी है वो जड़ से कभी जाती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइकिल का टायर पंचर हुआ, हमने उस पर साइकिल वाले पर टिकरी लगवा दी तो वो टायर फैल जाता है, फिर वो दम नहीं होती जो पहले वाले टायर में, जो नया टायर है। उसी तरह के अगर टायर को आप नस मान लें, उसी तरीके से दिमाग की नसें हैं, अगर उनमें एक बार फैलाव आ जाए तो जो न्यूरोसर्जन वाली दवाएं हैं उससे सही तो हो जाएंगी, फिर दोबारा डिप्रेशन में आने पर दोबारा वो फिर उनमें दर्द होने लगेगा। तो माइग्रेन को भी जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, केवल उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब्बा खैर, आदाब।